राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। सियासी दल अब चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस ने राज्य की सभी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं और इन सीटों पर राज्य के दो बड़े दलों भाजपा और कांग्रेस ने किसे कहां से उतारा है, इस पर सभी की नजर है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से मैदान में उतरेंगे तो भाजपा के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरा पाटन सीट से चुनाव मैदान में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान में इस बार सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। इसकी वजह कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि एक तीसरा मोर्चा भी है। इसमें क्षेत्रीय पार्टी और ताकतवर बागी भी हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। नामांकन वापसी के बाद कुल 200 में से 120 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिख रही है। वही 80 सीटें ऐसी हैं जहां बागियों और अन्य दलों के प्रत्याशियों के कारण बहुकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। सबसे रोचक पंचकोणीय मुकाबला तो बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट पर होता दिख रहा है। त्रिकोणीय से लेकर पंचकोणीय मुकाबले वाली 80 सीटों में से 68 सीटों पर त्रिकोणीय, 11 सीटों पर चतुष्कोणीय और एक सीट पर पंचकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। इन सीटों पर चुनाव किसी भी दिशा में जा सकता है क्योंकि कहीं पार्टियों के दमदार बागी हैं तो कहीं बसपा, रालोपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। राजस्थान के इस चुनाव का सबसे रोचक और फंसा हुआ मुकाबला बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर होता दिख रहा है। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों के लिए बागियों की चुनाव है। भाजपा प्रत्याशी के लिए तो दो बागी राह मुश्किल किए हुए हैं। इस सीट पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के अमीन खान हैं और पार्टी ने 84 साल के अमीन खान को एक बार फिर टिकट दिया है। वो इस सीट से लगातार 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण था कि जब उन्हें टिकट मिला तो उन्होंने उनका कड़ा विरोध सामने आया और पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह खान जो खुद एक दावेदार थे उन्होंने नाराजगी में पद से इस्तीफा तक दे दिया और अब अमीन खान की राह में बागी के रूप में मैदान में है। अब भाजपा की बात करें तो यहां से पार्टी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा हैं। उनका नाम अचानक ही सामने आया था। उनके सामने दो बागियों की चुनौती दिख रही है। पहले हैं रविंद्र सिंह भाटी जो जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा युवा चेहरा माने जाते हैं। इन्हें करीब 10 दिन पहले ही पार्टी में लाया गया था। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। ऐसे में उनका यहां से भाजपा प्रत्याशी बनाया जाना तय माना जा रहा था लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अब वो 10 दिन में ही पार्टी के बागी हो गए हैं। उनके अलावा भाजपा के ही बागी जालम सिंह रावलोद भी मैदान में हैं। वो पार्टी के विधायक रह चुके हैं लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब बागी हो गए हैं। ऐसे में इस सीट पर इस बार 5 बड़े चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और इससे पहले कांग्रेस और भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी चाल चल रही हैं। राजस्थान चुनाव के लिए कुल 2,365 प्रत्याशी में से 490 ने अंतिम दिन अपने नामांकन पत्र वापस लिए और अब 1,875 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।